हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड पे। चलिए आज हम जानते हैं यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड से जुड़े हुए कुछ आश्चर्यजनक बातें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रह्मांड की कभी न खत्म होने वाली गहराई हमें इसके बारे में और अधिक जानने के लिए मजबूर करती रहती है। हम कौन हैं? हम कहां से आए हैं? क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? इन हजारों करोड़ों तारों का रहस्य क्या है? ऐसे अनगिनत सवाल हमेशा हमारे मन में घूमते रहते हैं। हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.5 अरब साल पुराना है। इसका निर्माण एक विशाल विस्फोट के साथ हुआ था, इसे बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। पृथ्वी ग्रह लगभग 4.5 अरब साल पहले अस्तित्व में आया। अभी तक ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह पर जीवन की खोज नहीं हुई है, लेकिन वैज्ञानिकों के पास ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जो यह तय करते हैं कि दुनिया में हम अकेले नहीं हैं। दोस्तों, शायद आप लोग को पता होगा कि हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं उस आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। पर क्या आप लोग को ये पता है कि सूर्य को हमारी आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में 225 मिलियन यानी कि 22.2 करोड़ साल लगते हैं। हमारे इस ब्रह्मांड में हमारे गैलेक्सी के समान ही करोड़ों और भी गैलेक्सियां मौजूद हैं। क्या आप जानते हैं अंतरिक्ष में जाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले स्पेस सूट की कीमत लगभग $120 लाख होती है। जी हाँ, $120 लाख। हमारे ब्रह्मांड की सीमा का कोई अंत नहीं है क्योंकि इसका कोई किनारा है ही नहीं। ब्रह्मांड के सभी ग्रह उपग्रह एक दूसरे के साथ गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए हैं। दोस्तों, एक फैक्ट की बात आप लोग जानते हैं, आप अंतरिक्ष में रो नहीं सकते हैं और पसीना भी नहीं आता है। गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में पसीना और आंसुओं की बूंद बाहर निकल ही नहीं सकती है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ब्रह्मांड में हर दिन लगभग 27.5 करोड़ तारों का जन्म होता है और जितने तारों का जन्म होता है उतने तारे नष्ट भी होते हैं। हर आकाशगंगा के बीच में एक ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र होते हैं जिनके आर पार कुछ भी नहीं जा सकता, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज से लगभग 400 साल पहले दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष में देखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, वो व्यक्ति गैलीलियो था। जी हाँ, वैज्ञानिकों के द्वारा बहुत सारी स्टडीज करने के बाद हमें दिखाई देने वाले ब्रह्मांड में लगभग 20 ट्रिलियन आकाशगंगाएं हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है स्पेस की अपनी कोई आवाज नहीं होती है, लेकिन कुछ दिन पहले नासा ने एक ऑडियो क्लिप जारी किया था जिसमें अंतरिक्ष से सुनी जाने वाली आवाजें थी। सैटर्न यानी कि शनि ग्रह के चारों तरफ उपस्थित रिंग्स कोई ठोस नहीं है, वो धूल बर्फ और चट्टानों के मिश्रण से बने हुए हैं। नासा के वैज्ञानिकों को 1977 में दूर अंतरिक्ष से एक सिग्नल मिला था, लेकिन अभी भी हम नहीं जान पाए हैं वो सिग्नल कहां से आया था और किसने भेजा था। क्या आपको पता है ब्रह्मांड में ग्रहों के बीच की दूरी उसकी तरफ रेडियो सिग्नल भेजकर तय की जाती है। अंतरिक्ष में स्थित स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट अब तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है। इसकी कीमत लगभग 150 अरब डॉलर है। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड का सच जानने के लिए हैड्रॉन कोलाइडर नाम का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। न्यूट्रॉन स्टार का घनत्व इतना सघन होता है कि उसके केंद्र से लिया गया एक चम्मच पदार्थ भी 1 अरब टन वजन के बराबर होता है। स्टार का सघन घनत्व उसके तेज रफ्तार से घूमने के कारण होता है। वोयेजर 1 अंतरिक्ष यान हमारे सौर मंडल के बाहर जाने वाला पहला मानव निर्मित यान है। वोयेजर प्रोग्राम को सन 1977 में वोयेजर 1 और वोयेजर 2 स्पेस क्राफ्ट के साथ लॉन्च किया गया था। 12 अगस्त 2018 को नासा ने पहली बार सूर्य तक पहुंचने के लिए कोई मिशन लॉन्च किया। उस मिशन का नाम पार्कर सोलर मिशन है और इस मिशन का लक्ष्य सूर्य का गहराई से अध्ययन और उसकी कार्य प्रणाली को समझना है। वीनस यानी कि शुक्र ग्रह अपने एक्सिस पर इतना धीमा चक्कर लगाता है कि ये सूर्य के चारों तरफ अपना एक चक्कर अपनी धुरी पर घूमने से पहले पूरा कर लेता है, जिसके कारण शुक्र ग्रह पर उसका एक दिन उसके एक साल के बराबर होता है। मंगल ग्रह पर स्थित ओलंपस माउंटेन हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है।
यह पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। यह लगभग 26 किलोमीटर ऊंचा और 100 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है हमारे ब्रह्मांड की तरह ही कई और भी ब्रह्मांड समानांतर तौर पर उपस्थित है। दोस्तों, क्या आपको पता है जब हम अंतरिक्ष की तरफ देखते हैं तो हमें दिखाई देने वाले स्टार दरअसल उन स्टार के फास्ट का रूप होता है। स्टार से हमसे लाखों प्रकाश वर्ष दूर है और उनके लाइट को हम तक पहुंचने में कई वर्ष लग जाते हैं। दोस्तों, अगर आप 1 मिनट में 100 तारे गिनते हैं तो आप 2000 साल में एक पूरी आकाश गंगा को गिन देंगे। पृथ्वी पर जब पानी को उबाला जाता है तो उसमें छोटे छोटे बुलबुले बनते हैं। वही अगर अंतरिक्ष में इस पानी को उबाले तो यह एक विशाल अपूर्ण बुलबुले का रूप धारण कर लेगा। और दोस्तों, अंत में एक मजेदार फैक्ट, अगर आप सीधी रेखा में बाहर की ओर यात्रा करते हैं तो आप कभी भी ब्रह्मांड के किनारे नहीं जा सकते। आप उस बिंदु पर वापस ही आ जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की रोचक फैक्टों के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।